फुलवारी शरीफ से एक बड़ी खबर मिल रही है। पीएफआई का खुलासा मामले में एटीएस की टीम ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अभी तक इस मामले में ये चौथी गिरफ्तारी है। आपको बता दें, इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई थी और पीएफआई के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उनकी छानबीन की जा रही है। संदिग्ध आतंकी फिलहाल वो बताए जा रहे हैं। अब फुलवारी शरीफ में पीएफआई के खुलासे के मामले के बाद एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक और गिरफ्तारी की है। खबर इस वक्त मिल रही है, फुलवारी शरीफ में पीएफआई के खुलासे के मामले में एटीएस की टीम को एक और गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल हुई है। शक्ति जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। शक्ति, एटीएस की टीम ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पीएफआई से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ और अपडेट है? जी, ऐसे आपको बता दें कि आज जो है पटना एटीएस, बिहार एटीएस ने जो है एक और जो है संदिग्ध है उसकी गिरफ्तारी की है। अब से कुछ देर पहले ही गिरफ्तारी हुई है और इसे जो है फुलवारी थाने में भी फिलहाल रखा गया है और इसे पूछताछ जो है एटीएस की टीम कर रही है। आपको बता कि ये चौथी गिरफ्तारी जो है वो हुई है पटना बिहार एटीएस के द्वारा और लगातार जो इस मामले में है जो है बिहार पुलिस जो है वो एक्टिव है और लगातार तलाशी रहने जारी है, सर्च अभियान जारी है और इसमें कुल 26 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर नाम दर्ज दर्ज किया गया। उनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है जिसमें 4 लोगों की है फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, शुक्रिया शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए।